बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के बदलापुर यौन शोषण मामले के आरोपी के एनकाउंटर का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गया है। मृतक आरोपी अक्षय शिंदे के पिता ने निष्पक्ष और एसआईटी जांच की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। अपनी याचिका में अक्षय शिंदे के पिता ने मुठभेड़ को फर्जी बताया है। ये पूरा मामला अब हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। बदलापुर एनकाउंटर मामले की हाईकोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। अक्षय शिंदे के पिता की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें उन्होंने इस पूरे एनकाउंटर को फर्जी बताया है। इसके साथ ही निष्पक्ष और एसआईटी जांच की मांग अपनी याचिका के जरिए उन्होंने की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र के बदलापुर यौन शोषण मामले में आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हुआ था और इसे लेकर खूब बवाल हुआ है। अब आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है वो बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच चुका है। मृतक आरोपी अक्षय शिंदे के पिता की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें उन्होंने एसआईटी जांच की मांग उठाई है। महाराष्ट्र के बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में बदलापुर नाम के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के फोटो लगे हैं और उसके जरिए एनकाउंटर को सही ठहराया जा रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर वाले बैनर पोस्टर में लिखा गया है कि बदला पूरा हो गया है। और ये एक पोस्टर नहीं है, ऐसे अलग अलग पोस्टर अलग अलग इलाकों में लगाए गए हैं, जिसमें इस एनकाउंटर को जायज ठहराया जा रहा है। तो बड़ी खबर है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एनकाउंटर पर पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। मुंबई के कई इलाकों में बदला पूरा के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर है और इस पोस्टर के जरिए ये जो एनकाउंटर हुआ है अक्षय शिंदे का, उसे जायज ठहराया जा रहा है। हालांकि अब ये पूरा मामला जो है वो हाईकोर्ट भी पहुंच चुका है और इस एनकाउंटर को फर्जी बताया जा रहा है। परिवार की तरफ से सवाल इस पर उठाए जा रहे हैं कि इस पूरे